तो वही आपको बता दें कि आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। नवरात्र के पहले दिन से ही नए कारोबारी सीजन की भी शुरुआत होती है। नवरात्र से दिवाली तक पूरे महीने भर तक शॉपिंग सीजन चलता है। हालांकि पिछले लगभग दो साल से कोरोना के कारण व्यापार प्रभावित रहा, लेकिन फिलहाल प्रदेश में कोरोना का असर ना के बराबर है, इसीलिए व्यापारियों को दिवाली सीजन से काफी उम्मीदें हैं। जयपुर का जयंती बाजार प्रदेश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। यह नवरात्र के पहले दिन से ही शॉपिंग कार्निवाल का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने कार्निवाल की इजाजत नहीं दी। हालांकि एसोसिएशन की ओर से सामान्य साज सज्जा की गई है। नवरात्र के पहले दिन जयंती बाजार में कैसी है शॉपिंग की धूम, जायजा लिया हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने। आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन से ही कारोबारी सीजन की शुरुआत होती है, और क्योंकि पिछले लंबे समय से पूरा बाज़ार और जनजीवन कोरोना की चपेट में रहा है, इसलिए इस बार इस सीज़न से काफ़ी उम्मीदें हैं आम लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग को भी। मैं अभी यहाँ जयंती मार्केट में हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये राजस्थान का सबसे बड़ा मार्केट है, तो यहाँ देखेंगे कि व्यापारियों ने तैयारी की है। हालांकि सरकार की ओर से जो हमेशा यहाँ नवरात्र के दौरान कार्निवल लगता है, उस कार्निवल की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन जो एसोसिएशन है उसने कुछ साज सज्जा जरूर कराई है ताकि थोड़ा उत्साह नज़र आए बाज़ार में। आइए जो व्यापारी हैं उनसे बात करते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है नवरात्र का व्यापार में, क्योंकि काफ़ी कोरोना के कारण प्रभावित रहा है बाज़ार। नवरात्र की अच्छी उम्मीद है, जैसे कस्टमर्स का चल रहा है, इंक्वायरी वगैरह चल रही है, बुकिंग वगैरह भी हो रही है, तो उम्मीद है नवरात्र में अच्छा रहेगा। हमेशा कुछ ऑफर्स होते हैं कंपनियों की ओर से दिवाली सीजन में, तो इस बार किस तरह के ऑफर है, क्या किस तरह ग्राहकों को आकर्षित किया जा रहा है? इस बार भी अच्छे ऑफर है, खासकर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पे जो कैशबैक का है वो बहुत अच्छा ऑफर है, मतलब 20% तक का भी ऑफर है, और लक्की ड्रॉ है, गिफ्ट्स हैं, सभी में अच्छी है, ऑफर अच्छे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर जो ऑनलाइन मार्केट है उसने काफ़ी असर डाला है ऑफलाइन बाज़ार के ऊपर, लेकिन यहाँ फिर भी काफ़ी भीड़भाड़ नज़र आ रही है, इस पर हम बात करेंगे। आप बताइए सर, कैसा है, क्या तैयारी है नवरात्र पर, नया सीजन शुरुआत होती है व्यापार की? हाँ बिल्कुल सर, आशाओं पे दुनिया जिंदा है, हम लोग भी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा रहेगा मार्केट। नो डाउट ऑनलाइन का फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि वो अनएथिकल काम करके बहुत सारे उल्टे सीधे डिस्काउंट देते हैं, उससे मार्केट की सत्यानाश तो होती ही है। क्योंकि कोरोना के बाद में ये सीज़न आया है, कोरोना का असर तो कम हुआ है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कैसा व्यापार बाज़ार रहेगा? उम्मीद तो अच्छी है सब, क्योंकि इस बार बारिश भी अच्छी हुई है और कोरोना के बाद थोड़ा माहौल भी सही हो रहा है, तो उम्मीद तो बेहतर है कि बेहतर काम होगा। यहाँ ग्राहक भी हैं जो नवरात्र के आज पहले दिन ख़रीदारी करने आए हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या मान्यता है, क्यों नवरात्र पे लोग ख़रीदारी करते हैं? नवरात्र पे इसलिए करते हैं क्योंकि शुभ दिन माने जाते हैं, माता की कृपा होती है, 9 दिन सब माता की पूजा करते हैं, तो इसीलिए कि सब माता प्रसन्न होती है, तो सब काम अच्छे से हो, 9 दिन सब शुभ, इसीलिए मानते हैं। आप क्या ख़रीदने आए? वॉशिंग मशीन। अच्छा, आप कैसी वॉशिंग मशीन चाहिए? वॉशिंग मशीन जो चाहिए, जो कि ड्यूरेबल हो और बिजली का भी सब चीज़ का, लाइट का भी सही सेविंग हो सके और अच्छी चले। तो ये ग्राहक मानते हैं कि नवरात्र में ख़रीदारी करते हैं तो माता की कृपा होती है और घर में सुख संपदा आती है, इसलिए ये मान्यता वर्षों से चली आ रही है। इसकी बाज़ार भी तैयारी करता है, ग्राहक भी तैयारी करते हैं, व्यापारी भी तैयारी करते हैं, और ये शुरुआत क्योंकि इसलिए अहम है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कोरोना के कारण बाज़ार प्रभावित रहा है, व्यापार प्रभावित रहा है, और अब उम्मीद की जा सकती है कि इस बार ये जो फेस्टिवल सीज़न है, दिवाली का सीज़न है, बाज़ार के लिए, व्यापार के लिए, सबके लिए अच्छा साबित हो। कैमरामैन विजय गिरी के साथ बीके शर्मा, A1 TV जयपुर।